नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर, मैंने पैर बोला, सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो विहार लाए उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक संकल्प लिया है कि आप तक हम हर विहार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आज जो विहार दिखाने जा रहे हैं उस विहार का नाम भी संकल्प बुद्ध विहार है, जो आता है कृष्णापुरा वार्ड महाराष्ट्र गोंदिया में। तो इस वक्त मैं इसी विहार में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे साथ में विश्वरत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा आपको नज़र आ रही है, जो इसी विहार में विराजमान है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये सफर। दर्शकों, विहार में आने के बाद हमारा कर्तव्य, जैसे कि हमेशा हम निभाते हैं, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके, ये हमें करना है। लेकिन आज विहार में पूज्य भंते जी मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले उनसे याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, जिसे हम सब मिलकर ग्रहण करेंगे। तो आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ में मिलकर पहले याचना करें और उसके बाद हमारे साथ ही मिलकर आप भी त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। Thank you.
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर पहले याचना की होगी और साथ में मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण भी किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी किया जाना बाकी है। जय भीम। मी जीवन विश्वनाथ सद्देवे रानाव गुंदिया। या विहाराची निर्मिती आतापासून जवळपास 20 वर्षाच्या अगोदर आम्ही काही कार्यकर्त्यांनी सुरुवात केले। त्यानंतर हा विहार लहान होता। आता आम्ही 5 वर्षाच्या अगोदर 12 आमची बॉडी तयार झाली आणि आम्ही हा विहार मोठा केलो आम्ही ना। आता इथे दररोज सकाळी उपासिका पूजापाठ करतात, सायंकाळी पूजापाठ करतात। जय भीम। मैं राखी शुक्ला। ये बुद्ध विहार में सुबह शाम वंदना ली जाती है और हम सभी उपासिका और उपासक मिलके यहाँ सब मिलके कार्यक्रम किए जाते हैं और सभी हमको सहयोग करते हैं। जय भीम। मी रविंद्र बागड़े। हा विहारामध्ये एकान लहान मुलांचा किंवा वाचनालयाचा ह्याकरता आपण सर्व एकत्रित होऊन करूया। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। पैर बोलो, सबने कान पकड़े। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी बोध कथा, जो ये है। एक व्यक्ति जिसके पास बढ़िया सा मकान होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, बावजूद उसके वो काफी परेशान होता है। उसे वो घर पसंद नहीं आता। वो सोचता है कि मैं कहीं और जाकर रहूं तो शायद बेहतर है। ये सोचकर वो अपने मित्र को बुलाता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है। वो कहता है कि भाई एक काम कीजिए, बोले यार मेरा ये मकान जो है इसे बिकवा दो, बोले मैं शहर आकर रहना चाहता हूँ। तो उसका मित्र कहता है कि इतना बढ़िया मकान है, इतना अच्छा सब है, ये छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? बोले सब यहाँ पे आसपास में इतने पेड़ हैं, उसके सब पत्ते जब सूख जाते हैं तो सब घरों में आते हैं, इतनी तेज हवाएं चलती है, ये पहाड़ है यहाँ पर, ये भी जब यहाँ पे बर्फ़ जमा होती है तो तकलीफ होती है, ठंड बढ़ जाती है, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, बोले। तो उसका मित्र मुस्कुरा जाता है और बस इतना कहकर चला जाता है कि ठीक है, बोले तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करता हूँ। दूसरे दिन ये व्यक्ति जब अखबार पढ़ रहा होता है, उस अखबार में एक घर का विज्ञापन इसे नज़र आता है, जिसमें लिखा होता है कि एक शानदार घर के मालिक बनिए, जहाँ पर रोज़ ताज़ी हवाएं आपको मिलेगी, पहाड़ों की सौंधी सौंधी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आपको मिलेगी, पहाड़ों का नज़ारा मिलेगा और नदी भी मिलेगी। वो व्यक्ति सोचता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था हूँ ये तो वही है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। जब कॉल करता है तो उससे आश्चर्य होता है कि ये वही घर था जिस घर में इतने सालों से वह व्यक्ति रह रहा था। और उसे पता चलता है कि जिस तरह का घर मैं चाहता था उसी तरह के घर में तो मैं रह रहा हूं, फिर कमी क्या है? और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दर्शकों, हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का होता है। होता यह है कि हम सिर्फ अपनी ही नजर से अपनी जिंदगी को देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मेरी ये नौकरी सही नहीं है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूं ये सही नहीं है, मेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की सोच के साथ अपने आप को देखें तो पता चलेगा कि हम कई और लोगों से बेहतर हैं, उन लोगों से ज़िंदगी हमारी कई गुना बेहतर है जिन लोगों को हम सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन अगर हम उनकी नज़र से देखें तो पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी जो इस वक्त हम जी रहे हैं वो कितनी बेहतर है। तो बस सकारात्मक सोच बनाए रखें, यही मंगल कामना। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी इस तरह की बोध कथा है तो बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर पर अच्छी अच्छी बोध कथाएं जल्द से जल्द हमें भेजें। लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। अब वक्त है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते हैं, चलिए।
दर्शकों, हम शुरू करने जा रहे हैं वही प्यारा सा गेम जो आप जिसका इंतजार करते भाई और सोचते कि ये गेम कब आए और ये विहार में कार्यक्रम कब आए और हम ये गेम कब खेले। तो इस विहार की विश अभी पूरी हो चुकी है और हम इस विहार में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ उपासक उपासिकाएं मौजूद हैं वही गेम खेलने के लिए जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। भीम का दीवाना। हाँ, इसके पहले कि हम गेम शुरू करें मैं आपको इस गेम के रूल्स बता दूं। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ पैर नाक कान सर इसमें से कोई भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें शरीर के खुद के उस पार्ट को छूकर दिखाना है दोनों हाथों से। जो सबसे पहले करेगा वो हमारा विनर होगा। बस आइए देर नहीं करते शुरू करते हैं यही गेम। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम ट्रायल ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये सब लोग नॉर्मल है भी या नहीं। नाक पकड़े, ओके छोड़ दे, ओके। आपने देखा सबने आसानी से करके दिखाया, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये सब लोग इसी तरह नॉर्मल रह पाते हैं या नहीं। आप भी देखें हम भी देखते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोलो सबने कान पकड़े। क्या हुआ दर्शकों, ये तो वही हो गया जो हमेशा होता है। 106-107 एपिसोड हो चुके 100 के ऊपर लेकिन अब तक विनर ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब लोग कहते हैं, सब लोग जो है वो कहते हैं जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। और जब हम ये जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें ही इतना खो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ का है पैर का है सर का है। इन सब से मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने पकड़ लिया अपने कान। इतने अभिमान के साथ कह रहे हैं वो कि हमने कान पकड़ लिए। तो दर्शकों आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला है और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कहता ही रहूँगा कि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी इनका नाम लेता है वो उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं में खो जाता है। और मैं यही फिर से कहूँगा कि हाँ मैं हूँ भीम का अनुयायी, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दर्शकों। अपना विहार अपनी आवाज में फिर से वक्त हो गया है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, याद है आपको आदेश? हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने और इसी आदेश का पालन करने के लिए हर विहार में हम लेते हैं शपथ, जो आज भी हम लेने जा रहे हैं। आपसे विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी
और न सिर्फ शपथ लियोगी बल्कि इसका पालन भी आप ही हमारे साथ मिलकर करेंगे, साथ ही साथ इसके लिए औरों को भी प्रेरित जरूर जरूर करते रहेंगे। दर्शकों एक बार फिर से अपना विहार अपनी आवाज में, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आज का सुविचार, ये सुविचार बाबा साहब का है। बाबा साहब ने हमें ये कहा है कि अपने जीवन में अच्छे सत्कार्य करें, नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उन्हें आप मदद करें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावटें ना बने। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ, ये छोटी सी रुकावट हम आपके लिए ले रहे हैं, मगर देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज़। पता है कि ये सही जवाब नहीं दे पाएंगे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम अभिलाषा है। जी बोले। एक भी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का, तो देर किस बात की, आइए आओ मिलकर गाएं। रतिया घटने चातु शिल्पकार आए, सुगंधा परित कीर्ति दिगंधा तवाए, मृगंधा तवाए, भारतीय घटने चातु शिल्पकार दर्शकों अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त है सवाल जवाब का। इन सबसे मैं तीन सवाल करूंगा सिर्फ, और इन्हें जवाब देना है, जिसे जवाब आएगा वो देगा। आपको अगर जवाब पता है तो सिर्फ हाथ ऊपर करना है, बात नहीं करना है, वहां से जवाब नहीं देना है, ठीक है? अगर आपको जवाब आता है तो सिर्फ हाथ ऊपर करना है। मेरा पहला सवाल यह है कि इस विहार में, जिस विहार में आप इतने सालों से आ रहे हैं, उस विहार में कुल मिलाकर कितनी जगह पर हमें अशोक चक्र नजर आता है, सिर्फ बताए, संख्या बताए, कौन बता सकता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें, आ जाए आप, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये सही जवाब नहीं दे पाएंगे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम अभिलाषा है। जी बोले। एक भी नहीं। आप रुक जाएं, आपको सख्त जरूरत है एक बार विहार को देखने की। आप जहाँ खड़े उसके पीछे ही दो अशोक चक्र आपको नजर आ जाएंगे। बहुत सारे हैं। चलिए मैं ही बता दूं, कुल मिलाकर जो बड़े अशोक चक्र है जो आसानी से दिख सकते हैं, ऐसे कुल 10 अशोक चक्र है। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं, आसानी से नजर आएंगे। क्रांति सूर्य विश्व रत्न महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जन्म किस तारीख, किस महीने और कौन से वर्ष में हुआ था, कौन बता सकता है, सिर्फ हाथ ऊपर करें। चलो ठीक है, इसका जवाब मैं ही दे दूं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। 11 अप्रैल महीने की 11 तारीख को 1827 में इनका जन्म हुआ था। इस क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले विश्व रत्न का जन्म हुआ था। आप मेरे लिए फिर से एक बार तालियां बजा दें। आप क्रांति सूर्य हो गए तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका जन्म कब हुआ था ये बता दें। मुझे तारीख भी चाहिए, मुझे महीना भी चाहिए और मुझे साल भी चाहिए। आ जाए, चलो प्रयास तो हो रहा है। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय दें। मेरा नाम वंदना सत्या। बोले। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले यांचा जन्म 3 जानेवारी 1835 ला।
कोशिश कर। आसपास इतना बता सकता हूँ, ज्यादा नहीं बता सकता। 3 जानेवारी चाय वाटते नहीं, वो बराबर है। आगे साल बता रहे हो, साल में 1835। चलने दो, एक 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 आगे की। ओके मैं ही बता दूं, इन्होंने आधा बता दिया, आधा मैं बता दूं। क्या तारीख बताई आपने? 1835। तारीख क्या बताई? 3 जनवरी। 3 जनवरी, जनवरी की 3 तारीख को। और साल मैं बता देता हूँ 1831। हाँ, जोरदार तानियां बजा दे, कोई हरकत नहीं। दर्शकों मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों अपना बिहार अपनी आवाज को जो आपका प्यार मिला उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। ये आपका प्यार ही है कि हम 100 एपिसोड पूरे कर सके हैं, वो भी सफलता के साथ। जी हाँ, पूरी सफलता के साथ। और इसका सारा श्रेय हमें नहीं आपको जाता है, क्योंकि आपने आवाज इंडिया टीवी के इस कदम को सराहा है। भविष्य में भी अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, साथ ही साथ आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने में अपना योगदान जरूर दें। 2 प्रकार से दे सकते हैं, एक सबसे पहले आप इसे नियमित तौर पर देखें, साथ ही साथ अन्यों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करें। और अपने घर परिवार रिश्तेदारों में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का, प्रतिष्ठान का एक विज्ञापन साल में कम से कम एक बार तो भी आवाज इंडिया टीवी पर जरूर दें, और इसे मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी को निभाए। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे अपनी जिम्मेदारी समझा है और इसे बखूबी निभाया है। तो आइए देखते हैं किन किन उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य निभावलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को मैंने जाहिरात देके अपना फर्ज निभाई, अब आपकी पारी। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची पाळी तुम्ही पण करा। दर्शकों ऐसा था कृष्णापुरा वार्ड गोंदिया महाराष्ट्र का ये संकल्प बुद्ध विहार। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह का प्यारा सा विहार है तो बिल्कुल देर ना करें, ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सअप के जरिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी विहार की पूरी जानकारी। और लेकिन जब भेजें तो पूरी जानकारी भेजें, कहाँ है, कोई संपर्क नंबर भेजें। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अच्छे विचार हैं, अच्छी बोध कथा हैं, अच्छे सुझाव हैं, वो भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए सारे विहार हमने YouTube पर डाल दिए हैं, आप YouTube पर सारे विहारों का आनंद ले सकते हैं। तो बस मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई जगह नए विहार, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज। आपका समय शुरू होता है अब।